जब भी आप हरियाणा पहुंचते हो ना, खुशबू आती है दाल की, चिकन पकौड़े की। चलिए खत्म कर लेते हैं खाना। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज राजलोचन, प्लेस सिद्धपुर, कोलकाता। कोलकाता स्टेशन में हूँ, देख सकते हो वहाँ पे आप। बताया इधर यूज टू से टू पर्टिकुलर ट्रेन, एक हो गया समझौता एक्सप्रेस जो होता है पाकिस्तान से आते हैं, और एक हो गया आपका मोइट्री एक्सप्रेस ढाका टू कोलकाता। तो इंटरनेशनल टर्मिनल है यहाँ पे, सो बेसिकली थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है वहाँ पे। लेट्स सी क्या कुछ कर पाते हैं। आई होप 12 बजे का ट्रेन है मेरा, वीकेंड ट्रिप के लिए फिर से निकल रहा हूँ। वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, ज़्यादा कुछ नहीं शायद दिखा पाऊँगा। लेट्स सी, और आई होप कि तबीयत भी इतना अच्छा नहीं आज, जितना हो सके दिखाने के लिए ट्राई करूँगा। कुछ ही यार्ड्स बाकी है, कोलकाता स्टेशन में पहुँच लेता हूँ, उसके बाद ट्रेन बोर्ड करना है और होपफुली कल तक पहुँच जाना चाहिए मुझे। आगे क्या क्या होते हैं दिखाते रहेंगे जितना भी हो। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ अपने फ़ोन से, क्योंकि कैमरा नहीं निकाला हूँ। तो आसनसोल से बस थोड़ा आगे में मैं पहुँचा हूँ अभी। कोलकाता से जाना स्टार्ट किया था, फिलहाल अभी जा रहा हूँ, कल तक पहुँचूँगा जहाँ कहीं जाना है। यहाँ पे अभी तो खाली है, ये अभी नेक्स्ट का स्टॉपेज होगा आसनसोल में। आसनसोल कोलकाता से ये चलता है आसनसोल में, फिर वहाँ से लोग थोड़ा चलेंगे तभी कुछ होगा। तो फिलहाल अब तक के लिए झालमुड़ी है मेरे सवारी, और बीच बीच में क्या होते रहते दिखाते रहेंगे। अभी ट्रेन कुछ टाइम के लिए रुका हुआ है यहाँ पे, और आगे बढ़ते रहेंगे। कल पहुँचूँगा एक जगह पे कहीं पे, जो कि मेरा जान पहचाना है पहले से, मैं वहीं पे गया हूँ, कई बार गया हूँ, आप सभी को कुछ ना कुछ दिखाएंगे। तब तक के लिए चलिए, खाली है पूरा, मैं ख़त्म कर लेता हूँ अपना झालमुड़ी, ठीक है। जब भी आप हरियाणा पहुँचते हो ना, खुशबू आती है दाल की, चिकन पकौड़े की। चलिए ख़त्म कर लेते हैं खाना। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, गले भी बैठ चुका है मेरा बहुत कुछ झेलने के बाद। फिलहाल मैं होटल में चेक इन कर चुका हूँ, लेट नाइट चेक इन किया हूँ। जो कुछ भी हो अभी लेना चाहता हूँ, एक लंबी नींद, कल सुबह तक का एक लंबी नींद लेना चाहता हूँ, और उसके बाद ही ग्रेजुअली स्टार्ट करूँगा मैं दिसंबर का अपना प्लान। इस हिसाब से मैं कहाँ से कहाँ कैसे क्या पहुँच रहा हूँ, कुछ भी अपडेट नहीं दे रहा हूँ ब्लॉग के थ्रू, आप सभी को सब कुछ अपडेट देते रहूँगा। तो अब के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक लेना चाहता हूँ लंबी नींद, और उसके बाद फिर सुबह मिलते हैं, और बहुत कुछ आप सभी को मेरी तरफ से दिखाने के लिए मैं ट्राई करूँगा। तो अब तक के लिए भाई बहुत ही थक के आया हूँ, बहुत कुछ हुआ, सब कुछ मैं चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले ले लेता हूँ एक लंबा नींद, कल सुबह मिलते हैं, चलिए। सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या, मैं एक छोटा सा प्लान बना के आया था, नॉट एक्चुअली दिल्ली, दिल्ली भी है, हरियाणा भी है, उसमें चंडीगढ़ भी है, और हिमाचल का भी कुछ हिस्सा है। तो एक छोटा सा मैं ट्रिप बनाना चाहता कि मैं कुछ कुछ चीज़ें मैं पूरा का पूरा कवर कर सकूँ। उसी हिसाब से मैंने प्लान बनाया था, और मैंने ट्रेन पकड़ा था फ्रॉम कोलकाता स्टेशन टू चंडीगढ़ के लिए, मैं उसी हिसाब से आया था। लेकिन कल जब मैं आ रहा था तो उसके दौरान क्या हुआ, आपका मुरादाबाद जो पड़ते हैं यूपी में, मुरादाबाद के उससे आगे थोड़ा जो सहारनपुर के तेल इलाका, तो वहाँ पे क्या हो गया, रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो पटरी है ना, जो ट्रेन का पटरी है उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दैट इज़ वहाँ पे क्या हो गया, ट्रेन वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे मुश्किल हो गया आना। तो इसीलिए क्या कह रहा है, जितने भी ट्रेन है सबको डाइवर्ट किया जा रहा है टुवर्ड्स दिल्ली, वहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, फिर दिल्ली से वापसी आ रहा है, चाहे वो चंडीगढ़ हो, अमृतसर हो, अम्बाला हो, जिस हिसाब से हो, तो उस रूट से जा रहे हैं। क्या कहें भाई, मुझे पहुंचना था, बहुत ही जल्दी पहुंचना था, लेकिन मुझे भी वही झेलना पड़ा। ट्रेन लगभग पहुंच जाते शाम तक, तो मैं चंडीगढ़ पहुंच जाता, लेकिन वहां से चले गए फिर ट्रेन दिल्ली, दिल्ली में दिल्ली शाम तक हम लोग पहुँचे, फिर दिल्ली में पहुँचने के बाद फिर वहाँ से आया। क्योंकि ऐसे होते हैं क्या, मैं तो स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहा था, और ट्रैवल कर रहा था स्लीपर क्लास में, और कुछ सामान भी रहता है, गैजेट वगैरह रहता है, और जो एक्चुअली ये नहीं कि हमारा इंडियन रेलवे इतना सेफ नहीं है, वो वाला बात नहीं है। जब उसी दौरान अगर आप कैमरा वगैरह ज़्यादा कुछ निकाल के रखते हो तो शक भी हो सकता है किसी के ऊपर, इसीलिए थोड़ा सिक्योरिटी के रीजन में हर कहीं मैं कैमरा नहीं निकाला था। तो उसी हिसाब से मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग वहाँ पर नहीं किया। फिर वहाँ से मैं निकला, निकलने के बाद फिर वहाँ आया, आने के बाद मैं लगभग रात को मैं पहुंचा वहाँ पे। पहुंचने के बाद मैं होटल चेक इन किया, तो यही वो होटल है, तो यहाँ पे चेक इन किया,
और कल एक किस्सा हो गया था मेरे साथ, मैं कहना चाहूँगा गोवा भी वो मेरे लिए एक बहुत ही मतलब ट्रस्टफुल ऐप रहा है। उसी हिसाब से मैं हमेशा वहाँ से मैं बुकिंग करता हूँ, चाहे वो फ्लाइट बुकिंग हो, चाहे वो होटल बुकिंग हो, इंटरनेशनल होटल हो, जो कुछ भी हो, फ्लाइट रेलवे में चेक इन वगैरह जो कुछ भी हो, चेक वगैरह जो कुछ भी हो, मैं वहीं से करता हूँ। कल एक किस्सा हुआ मेरे साथ, गोवा भी वो के थ्रू मैंने एक वही होटल बुकिंग किया था। वही होटल जब वो बुकिंग किया, वहाँ पर जाके मेरे कुछ कूपन्स वगैरह था, जिस हिसाब से मुझे कम प्राइस में मुझे एक होटल मिल गया, योगा होटल था, अच्छा ही था। तो योगा होटल का जो था उसको मैं फुल्ली कंफर्मेशन हो गया, उन लोगों की तरफ से मुझे मेल आ गया, मैसेज आ गया कि आपका रूम रेडी है, सब कुछ आ गया। बट जब वहाँ पे मैं मेंशन किया कि मैं थोड़ा लेट चेक इन करूँगा, उसको मैं कॉल किया, कॉल करने के बाद तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे उठाया, जो कि ओयो का है, तो ओयो ने अच्छी तरह से बोला हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छी तरह से कर सकते हो। उन लोगों ने होटल का नंबर मुझे प्रोवाइड किया, उसके बाद मैंने होटल का नंबर से भी कांटेक्ट किया, तो उसने बोला कि ठीक है सर आप जितना लेट आना चाहते हो आ सकते हो, ज़्यादा भी इतना लेट मत कीजिए, अच्छी तरह से आपको चेक इन करना होगा। तो मैं बोला चलो ठीक है, मैं बोला कि कम से कम 10:30 के आसपास तो मैं टू पहुँच ही जाऊँगा। उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर पहुँचा, पहुँचने के बाद जब मैं होटल पहुँचने के बाद वो लोग बोल रहे कि सर ऑलरेडी सब होटल बुकिंग है, मतलब होटल का रूम टोटली फिलअप है, सब रूम कोई भी रूम खाली नहीं है आपके लिए अभी। तो मैं बोला भाई ये कैसा हो गया फंडा, ऑलरेडी मेरे को बोल रहा है कि कंफर्मेशन मेल सब कुछ आ गया है, फिर आप उसके बाद आप लोग कह रहे हो। उसने बोला हम कुछ नहीं कर सकते, आप ओयो से बात करो। रात भी हो रहा था, खाने के बाद कम से कम रात 10:30 के आसपास की हो गई ये किस्सा। तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो लाचार हूँ। होटल वगैरह के कोई मतलब यहाँ पे ऐसा कोई नहीं कि होटल नहीं मिलने वाला है, आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। उसके बाद मैंने क्या किया, ओयो से कांटेक्ट किया, लेकिन ओयो ने भी मुझे कुछ नहीं करके दिया। मैं उन्हें कहा कि आप प्लीज़ मुझे आप ऐसा करो, प्लीज़ मुझे कोई दूसरा प्रॉपर्टी दे दो सेम लोकेशन में, अगर कुछ आपको अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना है। उसने बोला आपको फुल अमाउंट पे करना पड़ेगा, और जो कि अब ये आप दे रहे हो टोटली नॉन रिफंडेबल है, क्योंकि आप चेक इन कर सकते हो, सॉरी आप ऑलरेडी चेक इन कर चुके हो। तो मैंने बोला मैं कहाँ चेक इन किया, मैं तो अभी तक चेक इन नहीं किया हूँ। लेकिन उस हिसाब से ओयो के साथ मेरा ये पहला हो गया, पहला किस्सा। एक बार मुझे रांची ने भी मैंने झेला था, जो चेक इन आर्ली चेक इन के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, उसी हिसाब से उन लोगों ने बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट मांग रहा था। तो उस हिसाब से भी एक किस्सा मेरा रांची में हुआ था, और लास्ट टाइम लास्ट नाइट को मेरे साथ ये हुआ। और उसके बाद मैं ऐप में जाके खोला किस हिसाब से मैं उसे कैंसिल कर सकूँ, मैं कैंसिल में भी गया, सब कुछ ट्राई किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा हो जाता है, फिर भी क्या कहें, तकलीफ दे देता है कुछ टाइम के लिए। और उसके बाद फिर मैं दूसरा होटल ले लिया, फिर यहाँ पे मैं मेन में ले आके यहाँ पे मैं ठहर गया। तो फिलहाल अभी सुबह का टाइम होगा लगभग 8 बजे के आसपास। जितना जल्दी मैं सोच रहा था कि 6 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन थोड़ा दिल्ली हो गया उसके लिए कोई इतना भी नहीं। तो अभी फिलहाल 8 बज चुका है, तो चाय पानी बाहर में कुछ पी के यहाँ से बस निकलना है, थोड़ा हिमाचल के मैं निकलूँगा। तो वहाँ पे कुछ कुछ है, काउच सर्फिंग भी मैं करूँगा, बीच बीच में जो कुछ भी हो आप सभी के साथ शेयर करता रहूँगा। अब तक के लिए बस इतना ही, तो लेट्स मूव, यहाँ से चेकआउट करते हैं और जितना जल्दी हो सके वहाँ पे पहुँचते हैं। बहुत कुछ आप सभी को दिखाने के लिए मेरी तरफ से मैं ट्राई करूँगा, एंड आई होप कि आप सभी को अच्छा लगेगा। तो लेट्स मूव, तो सब कुछ सामान चेक कर लेता हूँ फिर भी एक बार, यहाँ पे कुछ है क्या नहीं, बस ये हो गया फटाफट से दिखाने का। कुछ सर्दी भी है यार, बहुत सर्दी है, और ये हो गया मेरा दूसरा भाई, बहुत भारी है यार। तो निकलते हैं यहाँ से, और कुछ रह गया क्या तो चेक कर लेता हूँ, मेरे हिसाब से तो कुछ है। चलो लाइट गोली रखे यार, चलो निकल गए। सुबह का नज़ारा बाहर साइड में देख लेते हैं, बस अड्डे पहुंच रहे हैं। जगह 13 नंबर
पहुंच तो गए, अभी चेंज करते हैं दूसरा बस और चलिए। ठंड तो लग रहा है, बहुत दिनों के बाद आ गया, थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं। चलिए